जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिवाइन स्टोरी के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर आ रही बहुत सारी दिक्कतों के बारे में जानकारी देना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कल हेलीकॉप्टर की बुकिंग खुली थी और वो जल्द ही फुल हो गई, और जो भक्त दोबारा अगले स्लॉटों के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए बुकिंग कब से स्टार्ट होंगी, और नई आईडी क्यों नहीं बन पा रही है वेबसाइट पर, इससे रिलेटेड भी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर चारों धामों की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, लेटेस्ट अपडेट हैं, वो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कल IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च हुई थी और उसी पर जो है हेलीकॉप्टर की टिकटें बुक हुई। बहुत सारे भक्तों की टिकट बुक हो चुकी हैं लेकिन काफ़ी सारे भक्त जो है अभी भी बगैर टिकट के रह गए हैं, और जिसका कारण कई सारे वजह रही है, क्योंकि कुछ लोग प्रॉपर तरीके से टिकट बुक नहीं कर पाए और कुछ समय रहते जो है सीट जल्दी ही फुल हो गई। कम सीट होने की वजह से भी बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं ले पाए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे अभी ये साइट वर्किंग कर रही है और क्यों अब इस वेबसाइट में आप नई आईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और स्लॉट क्यों नहीं आप बुक कर पा रहे हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाता हूँ। यहाँ आप गूगल क्रोम में वेबसाइट टाइप करेंगे heliyatra.irctc.co.in और सबसे पहली ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी वेबसाइट पर आप जो है हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस साल IRCTC की हेली यात्रा से ही टिकट बुक की जा सकती है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट आपको सबसे पहले इस पे अकाउंट बनाना होता है, उस आगे आप लॉगिन कर पाते हैं। तो आइए अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो कल तक तो ये वेबसाइट जो है वो प्रॉपर काम कर रही थी, लोगों के जो है अकाउंट क्रिएट हुए हैं, लेकिन आज इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आज का ये लाइव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो आपको आंसर मिल पाए। ये देख सकते हैं, यहाँ मैं अपना फुल नेम मैंने एंटर किया। इस फॉर्मेट में ही आपको अपना नाम एंटर करना है। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है, बड़ा अक्षर रहेगा, और सेकंड लेटर जो आपका लास्ट नेम है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना स्टेट एंटर करेंगे। स्टेट के बाद यहाँ आप अपना ईमेल एंटर करेंगे। जो ईमेल आपका वैलिड है वही ईमेल यहाँ एंटर कीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पे ओटीपी आता है और उसी के बाद आप इसको आगे प्रोसेस कर पाते हैं। और यहाँ मैंने अपना ईमेल आईडी एंटर किया। ईमेल आईडी के बाद यहाँ आपको एक पासवर्ड बनाना होता है और वो पासवर्ड आप याद करके या लिख के रखिएगा। आगे लॉगिन करते वक्त वही पासवर्ड आप इस वेबसाइट में एंटर करेंगे तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। तो आइए मैं अभी अपना एक पासवर्ड बना लेता हूँ। और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ से ऑप्शन आता है गेट ओटीपी, और गेट ओटीपी करते ही ये देख सकते हैं इसने दिखाया ये फ़ोन नंबर इस अकाउंट के साथ पहले से ऐड हो चुका है। तो ये मैं ट्रायल आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए अब यहाँ से मैं फ़ोन नंबर चेंज करता हूँ और नए फ़ोन नंबर के साथ एक नया अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया है, अब नए फ़ोन और नई ईमेल के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब भी यहाँ एरर आ रहा है, ऑफ समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आप बार बार जब भी आप गेट ओटीपी कर रहे हैं तो आपको इस तरह का एरर आ रहा है, या आपके फ़ोन पर ओटीपी आ रहा है, आपकी मेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है, इस तरह के एरर आज इस वेबसाइट पर देखे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये टेक्निकल एरर है, ये वेबसाइट की तरफ से ऐसा हो रहा है। जल्द ही इसको रिजोल्व कर दिया जाएगा और वेबसाइट प्रॉपर काम करने जो है स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस तरीके से जो है यहाँ आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपने पुराने लॉगिन के साथ ट्राई करके देखता हूँ क्या स्लॉट बुकिंग हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे आपने अपनी आईडी जनरेट की है, यहाँ आपका वो पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था। तो ये पासवर्ड मैं यहाँ अपना एंटर करता हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट है। इसी अकाउंट से मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था कि कैसे आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर पा रहे हैं, और ये ग्रुप आईडी यहाँ एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ ग्रुप आईडी एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स आपकी आगे प्रोसीड हो जाती हैं। तो चलिए हम भी यहाँ अपना एंटर करते हैं ग्रुप आईडी नंबर, और ये मैं अपना ग्रुप आईडी नंबर यहाँ ऐड करूँगा। और ग्रुप आईडी ऐड करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करेंगे, आगे प्रोसेस होगा। और यहाँ से देखिए मैंने एंटर कर दिया है, और अब यहाँ से सबमिट करेंगे, और आगे प्रोसेस होने के बाद ये देखिए नो स्लॉट्स अवेलेबल। जी हाँ, क्योंकि 30 अप्रैल तक के स्लॉट सब फुल हो चुके हैं, और मेरा यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है वो है 25 अप्रैल का, इसलिए जो 25 से लेकर 30 अप्रैल तक की जो टिकट बुकिंग्स थी वो शो नहीं है, वो फुल हो चुके हैं स्लॉट। तो इसलिए यहाँ ये चीज़ शो हो रही है कि इस डेट के सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं। तो आज इस वेबसाइट पर काफ़ी एरर है, इस वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो रही है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जल्द ही वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और आगे की टिकट जो आप 30 अप्रैल के बाद बुक कर पाएंगे उसके लिए कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।